नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27, खबरें सबसे पहले आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। आज के हेडलाइंस हैं, चीन में बने दुनिया के सबसे बड़े बांध के टूटने की आशंका, कहा कभी भी टूट सकता है ये बांध। अंडरटेकर ने WWE से लिया विदा, कई दशकों तक किया था राज। पाकिस्तान से वापस भारत लौटे भारतीय दूतावास के 5 अधिकारी। अमेरिका में कोरोना रोकथाम के उपायों का विरोध, दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमितों देश में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का विरोध, धमकी मिलने के बाद स्वास्थ्य अधिकारी नौकरी छोड़ रहे। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,25,000 के पार, देश में अब तक कोरोना से 13,699 लोगों की गई जान। आज निकलेगी जगन्नाथ रथ यात्रा, सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त मंजूरी। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा जारी रहेगी। तेलंगाना में कोरोना से पहली बार किसी स्वास्थ्य कर्मी की मौत। महाराष्ट्र सरकार द्वारा चीन को करारा झटका, 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर लगाई रोक। डिंडा ने गेंदबाजी कोच को बताया, कहा उसी ने टीम छोड़ने पर किया मजबूर भारत। ऑनलाइन अटैक, अमेरिका के बाद भारत पर सबसे ज्यादा साइबर हमले होते हैं। हैकर्स के पास हमारे 20 लाख से ज्यादा लोगों के ईमेल, फ्री कोविड टेस्ट कराने का मेल भेज सकते हैं। जम्मू कश्मीर में फिर एक बार पुलवामा एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, 1 CRPF जवान भी शहीद। कोरोना को हराने में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से आगे, रिकवरी रेट 63.31%। मौसम विभाग की चेतावनी, 24 जून के बाद बिहार में होगी भारी बारिश। पटना पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े 52 लाख की लूट, हथियार के बल पर कर्मियों को बनाया बंधक। अब नजर डालते हैं कटिहार की ओर, कुर्शेला में ट्रक और बाइक की टक्कर, 3 घायल। कदवा से 50 लीटर देसी शराब जब्त, कोढ़ा कटिहार NH पर लगा भीषण जाम। कटिहार कदवा प्रखंड के मुख्यालय के सभागार में खबर यात्रा के संस्थापक अनंत कुमार भगत द्वारा कोरोना काल योद्धाओं को किया गया सम्मानित। बने रहिए एमबी न्यूज के साथ, नमस्कार। तो लाइक और सब्सक्राइब करना।